Hi guys, I'm Anjali and welcome back to my channel. और मैं रेडी हो चुकी हूँ और रेडी होके हम जा रहे हैं मार्केट. मैं और मम्मी जा रहे हैं आज बहुत दिनों के बाद कहीं पे. और इनका सारा फ़ोन पे ध्यान है मम्मी का. मैं इनको 10 बार बोल चुकी हूँ कि उठो 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 और चल लो, बट ये फ़ोन में इतना ज़्यादा बिजी हैं. अभी भी दिखाती हूँ मैं आपको. बात करते ही यहाँ पे नाटक शुरू हो जाते हैं. यार क्यों इतना नाटकबाज आप? चलो चलो उठो. आपने देखा होगा कि मम्मी या बच्चों को उठाती है, यहाँ पे मैं इनकी बच्ची अपनी मम्मी को उठा रही हूँ भाई. मैं वैसे तैयार हो रखे हैं मम्मी ऑलरेडी पहले से, है ना? तेरा बाप समझ लेगा क्या? मेरा बाप? मम्मी क्या? मेरे बाप की संभालेगा? मेरी माँ संभालेगी. तेरे बाप की नौकर हूँ. तेरे बाप की नौकर हूँ, तेरे बाप संभालेगा. बोला क्या बदतमीजी कर रही है मेरी मम्मी यार कैमरे के सामने आज. मैं खुद संभालूंगी, कोई क्यों संभालेगा, मैं संभालूंगी खुद ही. ठीक है, आपने कपड़े. चलो गाइस अभी मार्केट जाके मिलती हूँ मैं आपसे. सो गाइस हमारी शॉपिंग हो चुकी है. मैंने तो एक चीज़ लिया, बट मम्मी ने 2-3 लिया है और एक अपनी कलीग के लिए गिफ्ट लिया है ना, क्योंकि वो जाने वाली है अब कनाडा. कनाडा नहीं, ऑस्ट्रेलिया जा रही है. कनाडा? कनाडा जा रही है. हाँ. ऑस्ट्रेलिया कैंसिल हो गया? ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ना जा रही थी, ऑस्ट्रेलिया तो संगीता मौसी के लिए बोल रही थी कि मैं हो जा. और मुझे ना कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था वहाँ पे, सिर्फ एक चीज ली मैंने. मेरे को ना कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था और मैंने सिर्फ एक चीज ली और मुझे दुख हो रहा है इस चीज का. क्यों लिया? नहीं, मैंने सिर्फ एक चीज ली इसलिए, और भी चीज लेनी चाहिए थी मेरे को. चलो गाइस चलते हैं फिर घर. सो गाइस घर पहुंच चुके हैं हम. अभी बज रहे हैं 6 और बाहर बज रहे हैं पटाखे. रियो डर रहा है, बच्चों ने शुरू कर दिया पटाखे फोड़ना. फूक बम, मुर्गी बम, पता नहीं कौन से बम फोड़ रहे हैं. और मेरा रियो डर रहा है. और मैं दूसरी मार्केट गई थी, तब मैंने इसलिए व्लॉग नहीं किया कि कुछ था नहीं ऐसा दिखाने को जो हम दिखाते, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह लेने गए थे. और हमने लिया है, हमने एक चीज़ ली है, वो है ये हनी ऑर्गेनिक. इसमें शुगर नहीं मिक्स होती, ऑर्गेनिक हनी है. तो हमने ये लिया, हमने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं, फिर हम और लेंगे वहाँ से उस शॉप से. एंड जो डाबर, क्योंकि डाबर वगैरह के हनी में ना शुगर आता है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं. हमारे रीरू से मिलो, आज बाती करके आया है रीरू. रीरू कम यहाँ, रीरू कम. क्यूटी पाई से मिल लो एक बार. क्या ओ उसको बस जलिया, फ्लैश जलिए ना, क्योंकि बेबी कितना क्यूटी लग रही हो आप. कितनी क्यूटी हो. और डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप स्ट्रांग बॉय हो. डरते नहीं है हम, चाहे कोई भी पटाखा बजे. ठीक है, यश यू आर स्ट्रांग. मुझे हटा रहा, धक्के दे रहा है कि कैमरा बंद कर दे. तो अभी मैं थोड़ा सा इसके साथ बैठती हूँ, इसको थोड़ा रिलैक्स करती हूँ एंड फिर हम मिलते हैं कब. ओके बाय. सो गाइस यहाँ पे रियो का अलग तमाशा चल रहा है. देखो मम्मी करना नो, मुझे आपकी पारी नहीं चाहिए. ये हमारे घर का फाइटिंग सीन. इन दोनों की लड़ाई चल रही है, मम्मी बेटे की लड़ाई चल रही है. देखो क्या बोल रहे हो आप, मम्मा को गुस्सा कर रहे हो. रोटी खाली? हाँ बोल रहा, हाँ खाली. मैं मार रहा हूँ मम्मा को, मैं मारे मारना है मम्मा. कैसे कुछ मम्मा से प्यार भी बहुत करते हैं बेटा. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट डे और मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग टी, जो कि मैं बहुत ज़्यादा दिनों के बाद पी रही हूँ. मैंने चाय छोड़ी हुई है. मैं हो गए होंगे 20 दिन हो गए होंगे मैंने चाय नहीं पिया, और आज मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी कि मैं चाय पीऊँ. तो मैं दादी को बोला यार चाय बना दो अपने हाथ की, आपके हाथ की चाय पीनी है. तो उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई है. और उठ तो मैं 5 बजे उठी सुबह, बट पहले क्योंकि खाली पेट चाय नहीं पीते, तो इसलिए मैं चलो कुछ खा लेती हूँ उसके बाद चाय पीऊँगी. चाय का मज़ा ही कुछ और है एंड ठंडी हो रही है चाय वैसे.
एंड आज दिवाली की शॉपिंग करने जानी है मेरे को, कि जो जो चीज़ें लेकर आनी है, जैसे शुभ लाभ, दिए, लाइट्स, फ्लावर्स, जो डेकोर करना है घर पे, वो सब चीज़ें लेकर आनी है आज, तो मैं वो लेकर आऊँगी। और शायद मुझे अकेले ही जाना पड़े क्योंकि मेरे घर में कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा की छुट्टी ही नहीं होती कभी भी, ना दिवाली पे उनकी छुट्टी होती है कभी भी, क्योंकि वो दोनों के दोनों मेडिकल लाइन में हैं, तो उनकी छुट्टी नहीं होती, तो सब कुछ मेरे को ही करना पड़ेगा। पहले मैं और मेरी सिस्टर करते थे दोनों साथ में, अब उसकी भी शादी हो चुकी है तो मैं अकेले ही करूँगी, तो इस बात का गम है मुझे कि मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ेगा। बट शायद मैं वानी को बुला लूँ तो वानी आ जाती है, जो भी काम करना होता है, जैसे कभी मुझे उसकी हेल्प चाहिए होती है तो वो हमेशा आ जाती है मेरे लिए। और क्या काम है आज? और कोई काम नहीं है आज। एंड लाइट्स भी लगवा लेंगे, अगर मैं जल्दी चलेगी तो लाइट्स भी आज लगवा लेंगे, नहीं तो कल लगवाएंगे लाइट्स। और क्या है बाकी, मैं आपको मिलती हूँ बाद में जब हम शाम को जाएंगे दिवाली शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे खटखट पटपट शुरू हो चुकी है, तो बाय। सो गाइस, हम मार्केट आ चुके हैं, हम थोड़ी दिवाली की शॉपिंग करने आए हैं क्योंकि दिवाली आने वाली है। बंद कर रहा था। दिवाली आने वाली है और मेरे घर में कोई नहीं है, तो मैं वानी को लेके आ चुकी हूँ और ये मुझे घुमाई जा रही है करके, और हमें लाइट्स भी नहीं मिल रही है यार, क्या करें बताओ। चलो देखते हैं गाइस हमें क्या क्या मिलता है दिवाली की शॉपिंग। अभी हमें 2 घंटे लगेंगे लाइट्स फाइंड करने में, एंड हमारा 5 घंटे का काम है मार्केट में। हम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रही है बताओ? अब वो तो मुझे पता ही नहीं वो क्या होता है, पढ़ाई तो हमें पता ही नहीं क्या होता है। पढ़ाई? हाँ, याद कर रही हूँ इसलिए कि, और आज हमने एक वीडियो शूट करनी थी, ये सोती रहेगी, फिर वो वीडियो बनी ही नहीं, अब पता नहीं कौन साल में बनेगी। मैं सोई 2 बजे थी रात का, 2-3 बजे सोई थी मैं रात को, और फिर मेरे को पता नहीं चला टाइम का, मैं 11 बजे उठी। हाँ, और 11 बजे ही हमें वीडियो बनानी थी, मैं इसको बोला कि 11 बजे आ जाना, और मैं 11 बजे उठी थी, और मेरे को फोन करके दीदी क्या कर रहे हो, और मुझे पता था ये नहीं उठ पाएगी, मुझे लगा था आप सो रहे होंगे आराम से। हाँ, मतलब मैंने उठाया नहीं, फिर पता नहीं चला मुझे। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अभी हम थोड़ी दिवाली की शॉपिंग कर लेते हैं, ठीक है? चलो वो और क्या कर रहे हैं, इतनी अच्छी कर रहे हैं यार। हाँ, एक्चुअली बहुत सुंदर है, असली लग रहा है। ओह माय गॉड, ये देखो एक फिर आप की तरह क्यों लग रहा है ये? मैं इसकी तरह ही हूं। आजाद, लुक एट दिस, आजाद पंछी, लुक एट दिस पिजन, ओह माय गॉड, ये सुंदर है। रियो उड़ा दे रहा है, हमारा असली पिजन है घर पे, रियो पिजन है, वो तो पिजन नहीं है। हमें ले लिया एक बर्ड और घोसली, और मैं मम्मा को डराऊंगी पूरा। वाणी ने अपनी कॉफी लिया एक, और सारे हमें मार्केट में देख रहे, बट हम शर्मा नहीं रहे, हमने कहा हम करेंगे ब्लॉग, बिकॉज हम ब्लॉगर्स हैं। इसलिए हम पानी से भाग रहे हैं पीछे पीछे। एक कवर लेना मैंने, हम अपनी क्यूटी को छोड़ के नहीं जाते। ओ यार ये देखो, आपको भी ले रही हूँ। क्या क्या ये? नहीं, ये तो हमारे बटन से आ रहा है। ये दिस इज एक्चुअली प्रिटी, ओह माय गॉड, बट वी कांट बाय, ये सुंदर है, दिस इज एक्चुअली प्रिटी, दिस इज एक्चुअली, आप ले लो, अपने सुहाग रहा है। ले आई है कवर की दुकान पे, जहाँ पे फोन के कवर मिलते हैं, और ये हम 50वीं बार आ रहे हैं उसी सेम दुकान पे। अब ये 51 क्या, ये दोबारा से चली गई है प्रीता चेंज करवाने के लिए, हमारा दिमाग ना उड़ चुका है, ये भी उड़ चुकी है, ये तो सोने लग रही है। को बाजी बेटा, को बाजी, होता होता है बस, दोबारा जाएगी देखने, आ चुकी है लड़की। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ध्यान से इसके बाल देखिए। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं, कब कहाँ, हो गया, कट कर देना, हो गया, बीप कर दो, कट
कट ये तो अभी अनकट होता सब कुछ पहले वाली में हम कुछ कट नहीं करते कि मेरी बीवी है बीवी ब्लैक स्वेटशर्ट वाली बीवी है मेरी ब्लैक स्वेटशर्ट वाली बीवी ये थी वाइफी कोई हमें कुछ और ही ना समझने कम समझते कोई हमें हम सपोर्ट करते हैं हम दिनों में शादी सो गाइस हमारी दिवाली शॉपिंग हो चुकी है डन मैंने क्या क्या लिया है मैं अभी नहीं दिखाऊंगी मैं आपको जब वो अच्छे से लग जाएगी चीज़ें तब मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में तो टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो बाय पीस